So, hello everyone, welcome to Abhimanyu. Today we are going to discuss the questions of permutation combination which came in 2023 examination, yani jo 2023 ke paper mein hamare paas permutation and combination ke questions aaye hue the, saath ke round question the, to un sabhi questions ko aaj hum ek baar discuss karne lage, to kindly inko dekhiye, acche se note kijiye aur apne concept clear kijiye. Chaliye, question number 1 is, aur kafi logical question the. Raj has 10 पेयर ऑफ रेड, यानी अगर मैं रेड की बात करूं, कितने पेयर हैं? 10 पेयर, और पेयर्स में आपको पता है दो होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए मेरे पास? 20 रेड सॉक्स होगी, ठीक है, शू, सॉरी सॉक्स नहीं, शू. अच्छा अच्छा, व्हाइट कितने मेरे पास? व्हाइट 10 पेयर ऑफ रेड, 9 पेयर ऑफ व्हाइट, 9 पेयर, यानी कितने होंगे? 18 मेरे पास व्हाइट शू हो गए सिंगल सिंगल, ठीक है. अच्छा, 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज, सो ब्लैक कितने हैं? 8 पेयर, यानी टोटल 16 हो गए मेरे पास ब्लैक, ठीक है. देखो, अब क्वेश्चन को समझो जरा. If he randomly pick shoe one by one without replacement from the box to get a red pair of shoe to wear, मतलब उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए basically एक red pair चाहिए. Pair का मतलब left वाला भी red और right वाला भी red. ऐसा तो नहीं होगा ना, left वाला black पहन लोगे, right वाला white पहन लोगे, black white या black red, ठीक है. उसने कहा left में अगर red पहन रहे तो right में भी students आपको red ही डालना है, ठीक है. What is the maximum number of attempts he has to make? देखो, इस केस में वर्स केस लेना होता है. कहने का मतलब क्या कि मैंने पहले रेड को छोड़ो, जब ऐसे को रेड को छोड़ दो, रेड चाहिए ना, अगर व्हाइट चाहिए तो व्हाइट को छोड़ दो. सपोज करो आपने 18 अटेम्प्ट किए, पहले आपने एक उठाया, दो उठाया, आपने एक लेफ्ट उठाया, एक राइट उठाया, ठीक है, या कोई भी उठाया रैंडमली. पहले आपने जब 18 अटेम्प्ट किए उसमें सारे सारे व्हाइट आए, ठीक है, फिर अगले 16 अटेम्प्ट्स में आपके पास सारे के सारे ब्लैक आए, यानी मैं एक बात बोलूं कि 34 अटेम्प्ट्स मेरे पास जब मैंने किए मेरे पास व्हाइट प्लस ब्लैक आया, ठीक है, मतलब पहली 34 बारी में भी रेड मेरे पास नहीं है. अब देखो बारे, अब ये भी हो चुके हैं मेरे पास, ये भी हो चुके हैं, कौन से बचा रेड? 10 पेयर हैं. सपोज करो आपने अगले 10 जो उठाए वो उठाए आपने लेफ्ट वाले, लेफ्ट वाले रेड, इसका मतलब कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं? 44 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे पास. अब आपने ब्लैक भी ले लिए, आपने व्हाइट भी ले लिए, और आपने लेफ्ट वाले, लेफ्ट बोल लो राइट बोल लो, एक साइड के आपने रेड वाले पेयर उठा लिए सारे. अब आप जो उठाओगे, अगर यहां पे लेफ्ट उठाए तो अब कौन सा होगा अगला जो आप शूज उठाओगे ना, वो कौन सा होगा? राइट वाला कौन सा होगा? रेड. तो कितने हो गए? 41 + 1 = 45, ऑप्शन नंबर डी क्लियर. तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट आपको इस केस में उसने क्या बोला, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स की बात करें तो हमेशा ऐसे करना आपने, क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 इनवेल्व, मतलब मेरे पास 4 लेटर L1 L2 L3 L4, और इनवेल्व कितने? E1 E2 E3 एंड E4. चलो अब देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं बिल्कुल. वन लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली वन इनवेल्व विद द करेक्ट एड्रेस, मतलब मैंने माना कि L1 का सही एड्रेस E1 है, L2 का E2 है, L3 का E3 और L4 का E4 है, ठीक है. इफ द लेटर्स आर रेंडमली इंसर्टेड इन टू द इनवेल्व्स देन कंसिडर द फॉलोइंग, कि आपको राइट करना है. मुझे नहीं पता कि इसमें, मैंने मान के चला भाई ऐसे होना है, ठीक है. चलो अब देखो पहले स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, देखना पहले स्टेटमेंट से एक नहीं. It is impossible that exactly one letter goes into an incorrect envelope. It is possible. देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बोला L1 का सही एड्रेस E1 है और L2 A2 है. सपोज करो L1 को मैंने E3 में डाल दिया, E2 में डाल दिया, E5 में, मतलब L1 को मैंने गलत डाला, तो डेफिनेटली जो L3 E3 में जाना था वो कहीं और जाएगा, वो सपोज करो यहां जा रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर अगर एक गलत हुआ तो दो गलत होंगे, इसका मतलब गलत, पहला गलत हो गया. There are only 6 ways in which only 2 letters goes into the correct envelope. देखो
मैं अब आपको उसको थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझाता हूँ क्या है मतलब है इसका, कि ये मेरे पास कितने वेज हैं करेक्ट इनवेल्व, देर आर ओनली सिक्स वेज, मतलब छह वेग हैं। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले अगर मैं एल वन और एल टू को सही डालूं, ठीक है, तो एल थ्री और एल फोर गलत जाएंगे, बड़े सारे केसेस बनेंगे। बट कंसीडर कैसे करना है इसको ध्यान से देखो। देखो मैंने बोला पहले मेरे एल वन एंड एल टू बिल्कुल सही है, ठीक है, एल वन एल टू सही है, उसके बाद मैं कह रहा हूं एल वन एल थ्री सही है, फिर एल वन एल फोर सही है, ठीक है, फिर उठाओ एल टू को, अगर एल टू के साथ पेयरिंग कर सकता हूं मैं बोल रहा हूं पहले एल टू और एल थ्री सही है, फिर क्या कह सकता हूं मैं, फिर क्या एल टू एल थ्री, फिर एल टू एंड एल फोर, फिर क्या हो गया एल थ्री एल फोर। तो पेयरिंग आपने इस हिसाब से करनी है कि डबलिंग ना हो, ये ना हो कि L2 आप L1 लिख दो, ये आ चुका है एक बार, तो कितना हो गया तीन, दो पांच और एक छह, दूसरे वाला बिल्कुल सही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू इज द करेक्ट वन, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एट डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स 1 1 2 2 3 3 4 4 सच That odd digit occupy odd positions as even digit occupy even positions. देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास, 1 1 2 2 3 3 and 4 4 ऐसा कुछ है। अच्छा मतलब odd number कौन कौन से मेरे पास, देखो ध्यान से देखो, odd numbers कौन कौन से students मेरे पास यहाँ पे, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 हो गया, मतलब चार odd numbers है मेरे पास, ठीक है। Even numbers कितने, 2 2 4 4, अच्छा ये भी चार है मेरे पास, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि टोटल 8 पोजीशंस वी हैव टू फिल आउट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैं यहां से शुरू करता हूं, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8 है, मेरे पास 8 पोजीशंस है। ऑड वाली कौन सी, ऑड पोजीशन होगी, ये भी ऑड पोजीशंस है, दिस इज ऑल्सो ऑड पोजिशन, दिस इज ऑल्सो ऑड पोजिशन, ये इवन पोजिशन, ये इवन पोजिशन, इवन पोजिशन, इवन पोजिशन, क्लियर। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है इवन इवन पे ऑड ऑड पे, ठीक है। अच्छा एक बात आओ, चार मेरे पास इवन प्लेसेस है, मैं पहले यहां से शुरू करता हूं, यहां पे दो दो चार चार में से कोई फिल कर सकता हूं मैं, बिल्कुल, तो यहां पे चार नंबर ऑफ प्लेसेस आ सकते हैं, मतलब चार नंबर प्लेस हो सकते हैं। अब एक यहां पे हो गया, तो यहां के लिए कितने बचे मेरे पास, तीन बचे, यहां के लिए कितने बचे, दो बचे, और यहां के लिए क्या बचा, एक बचा। इसी तरीके से मैं बात करूंगा ऑड की, देखो ऑड के टोटल कितने, चार, यहां पर जो पहली ऑड पोजीशन पिक करूंगा मैं, तो यहां पे चार में से वन वन थ्री थ्री में से कोई भी मैं पिट पुट कर सकता हूं, यहां चार हो गए, यहां पोजीशन के लिए कितने बचे, तीन नंबर, यहां के लिए कितने बचे, दो नंबर, और यहां के लिए कितना बचा, एक नंबर, यानी मैं क्या बोलूंगा, चार फैक्टोरियल मल्टीप्लाई चार फैक्टोरियल हो गया। बट आपको यह भी देखना रेपिटेशन कितनी है, देखो एक कितनी बार है, दो बार, टू फैक्टोरियल, तीन भी दो बार है, दो भी दो बार है, और चार भी, तो रिपीटिशन को मत भूलेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। फिर ये कितना होगा, चार, दो फैक्टोरियल, चार इंटू तीन इंटू दो फैक्टोरियल अपॉन दो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, या दो इंटू दो, दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, तो ये कितना होगा, देखो दो से दो कटा, दो से दो कटा, दो दूनी चार, चार ती बारह, 36, तो ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नोट कीजिए फटाफट, काफी अच्छा क्वेश्चन था, 36 इसका सही आंसर था, क्लियर, नोट कर लो। ये क्वेश्चन इजी था, कोई मुश्किल नहीं था, क्लियर। चलिए, एबीसीडी इज अ स्क्वायर 1.1 ईच ऑफ एबीसीडी, एबी एंड सीडी, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच, बीसी एंड डीए आर चोजन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी थ्री पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ द सिक्स। देखो ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, वो कह रहे हैं वन पॉइंट ईच ऑन ए बी एंड सी डी, एंड दो दो पॉइंट यहां पे है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, टोटल पॉइंट मेरे पास ये हो गए। देखो अब ध्यान से सुनो, ट्रायंगल बनाने के लिए बेसिकली मुझे कितने पॉइंट चाहिए, देखो ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, एक दो एंड थ्री, वी वांट थ्री पॉइंट्स। यहां पे कितने पॉइंट है, देखो ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला याद रखना एन सी थ्री, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने हैं सिक्स, सी थ्री यानी सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू ऑफ
थ्री फैक्टोरियल यानी सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू ऑफ थ्री इंटू टू इंटू वन. सो आंसर इज तीन दोनों छः पाँच. ओके बेस ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन. क्लियर. तो याद रखो क्वाड्रिलेटर होता तो एनसी फोर हो जाता, बस इतना याद रखो. ट्रायंगल के क्वेश्चन आओ आपको. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो पहले तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सर्कल बनाओ. चलो भाई 12 एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह. वो कह रहा है एक साथ 10 पॉइंट्स को लेना है तो कितने नंबर ऑफ वेज में ले सकते हैं. देखो मैं अगर पहले बात करूं मैं एक से लेकर 10 तक ले सकता हूं. अच्छा दो से लेकर 11 ले सकते हैं, तीन से लेकर 12 ले सकते हैं, चार से लेकर एक पे आ सकता हूं. देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस. ठीक है क्या पाँच से दो पे जा सकता हूँ, क्या छः से तीन पे आ सकता हूँ, सात से चार आठ से पाँच नौ से छः दस से सात ग्यारह से आठ और बारह से नौ. बिकॉज बारह से नौ के बाद क्या हो गया मेरे पास दस से एक वाला पैटर्न दोबारा शुरू हो गया तो कितना आ गया ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह. ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर. क्लियर. तो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर. चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आए बच्चे कन्फ्यूज किस बात में. देखो आप फ्लैग हैज टू बी डिजाइन विद फोर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, मतलब ऐसा कुछ है. चार स्ट्रिप है, स्ट्रिप नंबर वन स्ट्रिप नंबर टू स्ट्रिप नंबर थ्री नंबर फोर, यानी एक हो गया सेकंड हो गया थ्री हो गया फोर हो गया. क्लियर. अच्छा फोर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल द कलर्स रेड ग्रीन येलो, मतलब तीन कलर्स हैं रेड है ग्रीन है और येलो है, मतलब वी हैव थ्री कलर्स इन विच दिस कैन बी डन. येलो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर. देखो सबसे बिल्कुल इजी समझ के चलो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी. देखो मैं अगर पहले यहां पे बात करूं मैं यहां पे जो नंबर वन पोजीशन है रेड भी डाल सकता हूं, मैं ग्रीन भी डाल सकता हूं, मैं येलो भी डाल सकता हूं. सपोज करो यहां पे मैंने रेड को फिल आउट कर दिया, ठीक है तो यहां रेड तो आ नहीं सकता, यहां पे क्या ग्रीन आएगा और येलो आएगा. सपोज करो यहां पे मैंने ग्रीन डाल दिया तो यहां क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर रेड आ, सर रेड आ सकता है और येलो आ सकता है. ठीक है अब देखो रेड डाल दिया, सपोज करो यहां पे येलो आ गया तो यहां क्या आ सकता है, रेड आ सकता है और ग्रीन आ सकता है. दोबारा समझो, दोबारा समझा रहा हूं. देखो जो सबसे पहले वाली बॉर्डर है मेरा, सब जो पहले वाली पोजीशन है उसमें मैं रेड ग्रीन येलो तीनों में से किसी भी कलर को फिल आउट कर सकता हूं तो यहां पे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, तीन हो गए. ठीक है सेकंड सपोज करो पहले वाली जो मेरी स्ट्रिप थी, पहले वाली पट्टी है उसमें मैंने रेड को फिल आउट कर दिया तो डेफिनेटली सेकंड वाली में रेड नहीं आ सकता, ग्रीन आएगा या येलो आएगा तो यहां पर कितने वेज हो गए, दो हो गए. अब नीचे देखो सपोज करो सेकंड वाली मैंने ग्रीन रखा तो सेकंड वाले में ग्रीन नहीं आ सकता, रेड आ सकता है या येलो आ सकता है. अब देखो मेरे पास रेड हो ग्रीन हो गया, अब लास्ट वाली में थर्ड वाली में मैंने येलो रखा, ठीक है मैंने रखा येलो को तो डेफिनेटली अगर मैंने येलो रख दिया तो मेरे पास कौन कौन सा आ सकता है, या तो रेड आ सकता है ग्रीन आ सकता है तो ये भी दो गया ये भी दो गया, मल्टीप्लाई कर दो तीन दूनी छः दूनी बारह दूनी चौबीस. ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर. क्लियर. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट थोड़े लॉजिकल हैं, थोड़ा सोच के करना पड़ेगा इन क्वेश्चन को. क्लियर. नोट कीजिए फटाफट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट्स ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था अगर मैं बताऊं बात, ये मुझे भी लगा कि हाँ ये थोड़ा सा था मुश्किल बट सोच के अगर स्टेटमेंट सही से समझ आ जाते ना तो ये भी इजी था. देखो क्या बोला, क्योंकि दोनों जो वन और टू है ना दोनों अलग अलग थे, टोटली डिफरेंट. क्या दिए, अ बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल्स. 14 क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं, 20 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है 26 ग्रीन है, 28 येलो है,
38 रेड बॉल है, 38 रेड बॉल है और लास्ट में 54 व्हाइट बॉल है। 54 दिखेगा? नहीं दिखेगा। 54 कौन सी है मेरे पास? व्हाइट। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ सारा सिनेरियो। अच्छा, कितनी बॉल्स हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर एन सच दैट एनी एन बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर्ड इज 175। उसका मतलब वो क्या कह रहा है कि आपको एन नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। आपको बोल रहा है कि कम से कम एक ग्रुप तो ऐसा हो जो मेरे को क्या बोला हो, फुल ग्रुप हो, एक ग्रुप कोई भी एटलीस्ट। इस केस में भी सबसे वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि मैंने पहले 13 ब्लैक बॉल पिक कर ली, ठीक है, ठीक है, शू वाले को ध्यान रखो जरा। 19 मेरे पास ब्लू बॉल आ गई, ठीक है, 26 मेरे पास ग्रीन थी तो ग्रीन एक कम आ गई, 25 आ गई प्लस, 27 मेरे पास येलो आ गई प्लस, 37 आ गई रेड प्लस, 53 आ गई व्हाइट। वर्स्ट केस आ गया कि कोई भी मैं फुल ग्रुप को ना चूज कर पाऊं। देखो ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 14, 140 प्लस 7, 3, 10, 8, 17, 5, 22, 31, 32, 33, 34। तो ये कितना हो गया, 174 हो गया। अच्छा, अब देखो आपने क्या किया, आपके पास एक ब्लैक बॉल बची है एक ब्लैक बॉल बची, एक ब्लू बॉल बची, एक ग्रीन बॉल बची, एक येलो बॉल बची, एक रेड बॉल बची और एक व्हाइट बॉल बची। अपने पास 174 केस बन गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फुल ग्रुप चाहिए। अगर आप नेक्स्ट कोई भी बॉल पिक करोगे ना, किसी भी कलर की बॉल पिक करोगे, तो वो मुझे क्या दे देगा, एक फुल ग्रुप दे देगा। तो ऑप्शन नंबर वन तो बिल्कुल सही, 175 आ रहा है। ध्यान से समझ के समझो इस क्वेश्चन को, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ऑल अबाउट दैट इज। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी और कुछ नहीं करना। सेकंड देखो क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर एम सच दैट एनी एम बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर इज 167। चलिए इसको मैं मिटा दूं जरा। अब देखो सेकंड वाली पहले वाले से बिल्कुल अलग है। वो कह रहा पूरा पूरा ग्रुप चूज करो, पूरा पूरा ग्रुप चूज करो और सारे कलर की बॉल आने में ना 167 लगेगा। देखो सबसे छोटा कौन सा, ब्लैक छोड़ दो इसको, सबसे ब्लैक वाले को छोड़ दो, क्लियर। मेरे पास अगर मैं ब्लैक वाले, क्योंकि सबसे छोटा तो ब्लैक वाले ग्रुप है, वो क्या कहना चाह रहा है, एम बॉल्स, ठीक है। सो अगर मैं इस केस के लिए, अगर मैं इस केस के लिए ब्लैक को थोड़ी देर के छोड़ू, तो मेरे पास पूरी पूरा पूरा ग्रुप उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात है। जैसे पिछले वाला था ना, वो नहीं है, वो क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर एम कि पूरा पूरा ग्रुप मैं ले सकता हूं, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच, उसमें फुल ग्रुप था, उसमें ग्रुप की बात कर रहा है कि एक ग्रुप होना चाहिए, इसमें क्या है, बॉल की बात। तो भाई मैंने उठाया 20 ब्लैक ब्लू बॉल, 26 उठाए ग्रीन बॉल, 28 उठाए येलो बॉल, 38 उठाए रेड बॉल और 54 उठाए मैंने व्हाइट बॉल। देखो कितना हो गया, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 14, 140 प्लस 8, 4, 12, 8, 20, 6, 26 कितना हो गया, 166। अगर अब आप एक ब्लैक बॉल भी उठाते हो ना, यानी प्लस 1 कर दो, कितना आ गया, 167। यस, ये तो मुझे चाहिए, तो मेरे पास वन बॉल ऑफ ईच कलर प्रेजेंट है मेरे बॉक्स में। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, बोथ हैं 1 और 2, क्लियर। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ इनको करिए। थैंक यू।